हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जिसकी मुख्यतया करेंट में इंपॉर्टेंस ही आपके क्लास ट्वेल्थ में है प्यार स्टूडेंट्स के लिए है। वो किसी स्टेट लेवल बोर्ड का स्टूडेंट हो और सेंटर बोर्ड का स्टूडेंट हो, मीन सीबीएसई से कनेक्टेड हो, सभी के काम का है। मैं आपको टॉपिक लेकर के आए जो बात बताने जा रहे हैं वो क्या है, सॉल्विंग मेथड ऑफ एलपीपी। सॉल्विंग मेथड ऑफ एलपीपी, एलपीपी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसका फिजिबल रीजन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कॉर्नर पॉइंट एंड डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन कैसे डिफाइन करते हैं। देखा होगा आपने मोस्टली आपको 11th 12th सिलेबस में इस पैटर्न को क्लियर वे में नहीं लिखा हुआ है। तो आज मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट डेवलप किया है एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कैसे सिंपल आप बनाया जाए। तो देखते हैं, पैटर्न को शेयर करते हैं। ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में रेडी होने चाहिए। तो डेट श्योर है, क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन 100% आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे, बट ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में रेडी हो। देखो मैं फिर से ट्राई करता हूं एक बार इन पॉइंट्स को रेडी कराने के लिए। देखिए क्या है टेक्निक, आप इधर से काम शुरू करेंगे। फर्स्ट नंबर पर आप क्या करेंगे, टेक एन एलपीपी, जो एलपीपी दी जाए उसे आप ले लीजिए। सेकेंड स्टेप पे कन्वर्ट इनइक्वालिटी साइन इन इक्वल फॉर्म, जो आपके एलपीपी दी हो, सब्जेक्ट ऑफ द एलपीपी आ जाए, उस सारी इनइक्वालिटी के इनइक्वालिटी साइन जो हो वो किसमें चेंज कर देंगे, इक्वल में। अगला पॉइंट आपके पास क्या लिखा, नाउ पुट एक्स इक्वल जीरो, वाई इक्वल जीरो, देन फाइंड आउट वाई, वाई इक्वल जीरो, देन फाइंड आउट एक्स, किस काम के लिए, सारी इनइक्वालिटीज में पुट करेंगे। फाइंड इंटरसेक्ट पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ लाइन, सारी इनइक्वालिटी लाइन के करिस्पोंडिंग इंटरसेक्ट पॉइंट आपको डिफाइन करने होंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। तो कैसे डिफाइन करेंगे, वन टाइम पुट एक्स इक्वल जीरो एंड अदर टाइम वाई इक्वल जीरो। क्लियर, आप सभी जानते हैं एक्सिस ऑफ एक्स पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है एंड एक्सिस ऑफ एक्स पर वाई कोऑर्डिनेट एंड एक्सिस ऑफ वाई पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, मालूम है ना, इसलिए पुट करते हैं, डिफाइन कर लिया। थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जैसे इंटरसेक्ट पॉइंट सभी इनइक्वालिटी लाइन के मिल जाते हैं, नाउ ड्रा दी ग्राफ, तुरंत अपने पेपर पर आप इन लाइन को बना देंगे। लाइन के बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाउ ड्रा दी ग्राफ ऑफ ऑल लाइन, सारी लाइन को बना लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, फाइव स्टेप पर मैंने लिखा, नाउ डिफाइन डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन। ठीक, इसके बाद सारी इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन का डायरेक्शन क्या है, इसे आप डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, देखें इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया है। हो सकती है इनइक्वालिटी आपकी ओरिजिन से पास होके जा रही हो, पॉसिबल ये भी तो है, वो इनइक्वालिटी के द्वारा ड्रा होने वाली लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है, तो दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। देखो क्या करेंगे, वेन लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जब लाइन ओरिजिन से पास होती है तब क्या करना होगा, उस लाइन का डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन कैसे डिफाइन करेंगे। देखें लिखा है, देन डिफाइन बाई पुटिंग ऑफ एक्स इक्वल जीरो वाई इक्वल वन, उस इनइक्वालिटी लाइन को आप चूज कीजिएगा जो ओरिजिन से पास होती है, उसमें एक्स इक्वल जीरो एंड वाई इक्वल वन पुट करेंगे और देखेंगे इन दी केस इनइक्वालिटी आपकी सेटिस्फाइड हो रही है उस लाइन की, तो डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन क्या लिखा है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस फ्रॉम इनइक्वालिटी लाइन, जो लाइन आपकी ओरिजिन से पास हो रही है उसके इनइक्वालिटी में एक्स इक्वल जीरो वाई इक्वल वन पुट करेंगे और देखें अगर वो इनइक्वालिटी लाइन सेटिस्फाइड हो रही है, इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होती है तो उसका डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन किधर की ओर होगा, उस लाइन से y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। क्लियर, फिर अगला काम क्या करना है, फ्रॉम लाइन इफ इनइक्वालिटी ऑफ लाइन डज नॉट सेटिस्फाइड, आपने x इक्वल जीरो y इक्वल वन पुट किया और इनइक्वालिटी ऑफ लाइन आपकी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो आप क्या करेंगे, देखो उस पोजीशन में आपको क्या करना होगा, इधर लिखा है सेकेंड पॉइंट में, इफ इनइक्वालिटी ऑफ लाइन डज नॉट सेटिस्फाइड देन डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम इनइक्वालिटी लाइन, तो वाई एक्सिस में आपको नहीं जाना है, किस ओर होगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा।
ये सारे वर्क आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, मैंने आगे नोट भी किया है। अब चलते हैं दूसरे काम के लिए। क्या लिखा है? व्हेन लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, जब लाइन ओरिजिन से ना पास हो रही हो तब कैसे डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन डिफाइन करेंगे। देखो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, देन डिफाइन बाय पुटिंग ऑफ एक्स इक्वल जीरो वाई इक्वल जीरो, उस लाइन का डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन जो ओरिजिन से पास नहीं होती है आप एक्स इक्वल वाई इक्वल जीरो पुट करके डिफाइन कर लीजिए। कैसे मिलता है? इनइक्वालिटी ऑफ लाइन में एक्स इक्वल वाई इक्वल जीरो आपने पुट किया, आपने देखा इंडिकेट इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होती है, देखो लिखा हुआ है, तो डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन उस इनइक्वालिटी लाइन से वो टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा, ओरिजिन की ओर होगा, अनसेटिस्फाइड हो जाए तो उस इनइक्वालिटी ऑफ लाइन से अपवार्ड्स द ओरिजिन होगा, दूर की ओर होगा उस इनइक्वालिटी लाइन से। इसके बाद क्या काम करेंगे ये डिसाइड कर लिया। फिर लिखा है फेजबल रीजन, फेजबल रीजन क्या होता है? थोड़ा बोर्ड की ओर देखें, कॉमन रीजन ऑफ सॉल्यूशन रीजन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस फेजबल रीजन किसको कहते हैं? वो कॉमन एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और सभी के डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन का कॉमन एरिया हो उसे हम बोलते हैं फेजबल रीजन। उसी करेस्पोंडिंग जो सोल्यूशन मिलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमल सोल्यूशन। कैसे डिफाइन किया जाएगा? देखो इधर बोर्ड की ओर, हाउ कैन यू फाइंड फेजबल रीजन? देखें, नाउ ड्रा एरो इन ईच पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला गया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने आपके रीजन के पार्ट बनते हो इन लाइन को ड्रा करने के बाद कुछ सेक्टर डेवलप हो जाएंगे। नाउ ड्रा एरो इन ईच पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी पार्ट में एरो ड्रा करेंगे। कैसे एरो ड्रा करेंगे उस बात को सुनिए। लिखा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ ईच इनइक्वालिटी लाइन, यहां से जो आपने डायरेक्शन डिसाइड की है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले सभी पार्ट में एरो ड्रा कर देंगे। ओरिजिन की ओर हो तो ओरिजिन की ओर, अपवार्ड्स हो तो दूर की ओर बना देंगे, वाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव जो भी हो एरो ड्रा कर देंगे सभी पार्ट में। फिर क्या करेंगे? देखो दोज पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वह भाग इंडिकेट फेजबल रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो पार्ट आपका फेजबल रीजन इंडिकेट करता है कौन सा? विच हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एरोज, वो मींस वो पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का जिसमें सबसे ज्यादा एरो आपको दिखाई पड़ रहे हो वो किसे इंडिकेट करता है? फेजबल रीजन को। तो बच्चों यहां से फेजबल रीजन भी डिसाइड हो गया। फिर अगला काम क्या करते हैं? नाउ डिफाइन कॉर्नर पॉइंट्स। क्या होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स? कैसे डिफाइन किए जाते हैं? देखो इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा है? ऑल टचिंग पॉइंट ऑफ फेजबल रीजन इंडिकेट कॉर्नर पॉइंट ऑफ फेजबल रीजन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मींस जो फेजबल रीजन को टच करने वाले जितने पॉइंट होंगे आपको दिख जाएगा फिगर में, वो सारे पॉइंट आपके क्या कहलाते हैं? कॉर्नर पॉइंट कहलाते हैं। आपने उन्हें भी डिसाइड कर लिया, डेफिनेशन आती तो डेफिनेशन इसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। फिर क्या करते हैं? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, जैसे आपने कॉर्नर पॉइंट डिसाइड कर लिए तुरंत स्टेप उठा लेंगे उस एलपीपी की मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू डिफाइन करने के लिए। क्या करेंगे? नाउ डिफाइन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसमें जेड लिखा हो उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ऑल कॉर्नर पॉइंट्स, सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आप डिफाइन कर लेंगे। फिर क्या होगा? हमने एज्यूम किया है, नाउ वी कंसीडर कॉर्नर पॉइंट, बाय द वे हमने माना क्या क्या आ रहे हैं, ए बी सी डी एंड डी, तो कैसे डिफाइन करेंगे वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम? लिखा है देन कॉर्नर पॉइंट, उस कॉर्नर पॉइंट पर जेड ए पॉइंट पर जेड की वैल्यू, बी पॉइंट पर जेड की वैल्यू, सी पॉइंट पर जेड की वैल्यू, डी पॉइंट पर जेड की वैल्यू एंड डी पॉइंट पर जेड की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। डिफाइन होगी, फिर क्या करते हैं? क्या लिखा है यहां पर? देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, इन सबको देखेंगे बार बार आप, अगर मैक्सिमा पूछा जाए तो जेड जो मैक्सिमम आ रहा है वही जेड मैक्सिमा इंडिकेट करता है, जो सबसे कम वैल्यू हो इनमें वो जेड मिनिमा इंडिकेट करती है। कभी कभी मोर देन वन पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम आ जाता तो दोनों इंडिकेट करेंगे आप। फिर सोल्यूशन का मैटर आता, सोल्यूशन क्या होगा? मैक्सिमम के करेस्पोंड जो कॉर्नर पॉइंट होगा मींस एक्स एंड वाई की वैल्यू होगी उसी ही बोला जाता है सोल्यूशन ऑफ फेजबल रीजन। चाहो देखें, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेकर के अब इस प्रोसेस को आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए हेलो देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे। एलपीपी का थ्योरी आपको मैंने क्लियर करा दी है, अब थ्योरी के अकॉर्डिंग अप्लाई करके देखते हैं कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।
बहुत फास्ट सॉल्व कर लेंगे, कोई मिस्टेक ना हो। देखिए मेरे साथ काम कीजिएगा। मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इन फॉर्म ऑफ एलपीपी, सो दिस फॉर्म ऑफ एलपीपी आ गया, क्लियर। जेड इक्वल लिखा है, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इसके बाद जो नीचे लिखा हो ये क्या होता है, सब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अब अपनी कहानी इधर से शुरू होगी। क्या काम सबसे पहले करते हैं, नाउ कन्वर्ट इन इक्वलिटी साइन इन इक्वल फॉर्म। देखो लिखा होगा, आप देखें तो मैं भी कन्वर्ट कर रहा हूं, एक्स प्लस टू वाई इक्वल ऑफ 120। क्यों 21 बोला तो 20 इधर वन आ गया, मींस 120, क्लियर, ओके। इसको भी चेंज किया, सो एक्स प्लस वाई इक्वल ऑफ 60, क्लियर। ऑल्सो फ्रॉम दिस एक्स माइनस टू वाई इक्वल ऑफ 0 चेंज कर लेंगे, बिल्कुल। इसके बाद क्या लिखा था बोलो, नाउ पुट इन इक्वलिटी, वन टाइम एक्स इक्वल 0, ऑल्सो वन टाइम वाई इक्वल 0। इसको हम कैसे आपको एक्सप्लेन करा रहे हैं, प्रैक्टिस में ला रहे हैं। दो एरो बना देंगे सभी इन इक्वलिटीज इक्वेशन पर जो इक्वल में चेंज किए हैं। एक प्लेस पर लिखेंगे एक्स इक्वल 0, अदर पे वाई इक्वल 0, एक्स इक्वल 0 एंड वाई इक्वल 0, ऑल्सो दिस एक्स इक्वल 0 एंड वाई इक्वल 0। ऐसा करने से क्या मिलता है, इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ द इनइक्वालिटी लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो इधर, व्हेन एक्स इक्वल 0 देन वाई इक्वल 60, क्लियर। जैसे ये पॉइंट आपको डिफाइन होकर के आ जाए, तुरंत इनका नाम भी देते जाएं, कुछ लिखते जाएं, इसका नाम ए दे दिया, किस एक्सिस पर है वाई पर, अपने याददाश्त के लिए रख लिया। व्हेन पुट वाई इक्वल 0, व्हेन पुट वाई इक्वल 0 देन एक्स इक्वल क्या आ गया 120, 0, ये पॉइंट किस एक्सिस पर होगा, नाम भी दे दिया, ये एक्सिस ऑफ एक्स पर होगा, क्लियर। यही वर्क हम सेकेंड के लिए करते हैं, पुट एक्स इक्वल 0 देन एक्स इक्वल 0, वाई इक्वल क्या आ गया 0, 60, किस एक्सिस पर होगा, क्या नाम दिया, सी एक्सिस ऑफ वाई पर होगा। व्हेन पुट वाई इक्वल 0 देन एक्स इक्वल क्या आ गया 60, यहां पर आपने लिख दिया 60, 0, किस एक्सिस पर होगा, क्या नाम दे दिया आपने, डी एक्सिस ऑफ एक्स होगा, क्लियर। इसके लिए आपने देखा एक्स इक्वल 0 पुट किया तो वाई इक्वल 0 मिला, वाई इक्वल 0 पुट किया एक्स इक्वल 0 आया। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तुरंत डिसाइड कर लेना लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, ये लाइन कहां से पास हो रही है, पासिस थ्रू ओरिजिन, ये लाइन आपकी ओरिजिन से जाया करेगी इस पोजीशन में, तीनों काम आ गए। देखो इसके बाद आप देखिएगा थ्योरी में क्या लिखा है मैंने, नाउ ड्रा दी ग्राफ ऑफ ऑल लाइन, सारे लाइन का ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता आप सभी को पता है, दिस इज एक्स ओ एक्स डैश क्वाड्रेंट ड्रा किया, दिस इज वाई ओ वाई डैश, क्लियर बना लिया। दो पॉइंट को ज्वाइंट कराने से, दो पॉइंट को मिलाने से आपको पता है एक लाइन तैयार हो जाती है, याद आ गया ना, रेखा खुल के सामने आ जाती है। तो देखें रेखा कैसी है, बना देते हैं, मींस लाइन का इक्वेशन बन जाता है, ग्राफ आ जाता है, बनाते हैं 0, 60, 120। हां एक बात यहां याद रखेंगे, अपने स्पेस को देखते हुए अंदाज अपना अपना कॉन्सेप्ट यूज करके ग्राफ को बनाएंगे। हम देखेंगे हमारे पास मैक्सिमम जो ऑब्जर्वेशन है वो 160 है, मिनिमम क्या है 120 है, मिनिमम क्या है 60 है। इस स्पेस को हम देख लेते हैं, 120 एंड 60 डिवाइड किया हमने इसको, दिस 60 अंदाज लगा दिया साहब, दिस 120, दिस 60, इसी आइडिया में लीजिएगा 60 एंड 120, क्लियर। इस इनइक्वालिटी के ग्राफ को ड्रा करेंगे, पॉइंट क्या है 120, 0, आल्सो कट ऑफ वाई एक्स 0, 60, मींस इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक आपने लाइन बना दी इस तरह से, और देखो ये आपके पास एक ग्राफ आ गया। इनके जो नाम पहले आप रख चुके हैं वही नाम दे दीजिए, ए एंड बी, सो दिस ए आल्सो दिस बी। एक काम और साथ साथ करते जाए, इनके कोऑर्डिनेट भी नोट करते जाए, ए का कोऑर्डिनेट क्या है बताएंगे, 0, 60, दिस 120, 0, बुरे वक्त में काम आएंगे आपके। अगली लाइन ड्रा करते हैं, दिस लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल 60 मीन 0, 60, 60, 0, सो दिस 0, 60, 60, 0, इन दोनों पॉइंट से होकर के जाएगी, इन दोनों को पॉइंट को मिलाते हुए आपने एक लाइन बना दी,
देखो ये आ गई और यहां पर क्या लिख गया, देखो थोड़ा सा लाइन डिस्टर्ब हो गया, एक पॉइंट पर ही आएगा, मैंने पॉइंट को बड़ा कर दिया, कौन रब करेगा, आ गया। इसका नाम आपने क्या दिया है, बोलो सी। लो आपका सी पॉइंट ए के साथ मर्ज कर गया, तो डी का नाम दे दिया। यहां पर हमने क्या लिखा, डी। इसका कोऑर्डिनेट कितना है बताएंगे आप, 60, 0। एक काम और यही कर लिया करें, इन इनइक्वालिटी लाइन का इक्वेशन इनके साथ आप ड्रा कर दिया करें, यहां स्पेस दिखाई दिया करें। देखो हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस टू वाई, मैंने यहां लिखा है एक्स प्लस टू वाई लेस देन आर इक्वल 120, बिल्कुल उससे टच करते हुए लिख लो। इस इनइक्वालिटी लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 60, यहां स्पेस दिखाई दे गया, कोई जरूरी नहीं इधर लिखें, यहां हमने लिख दिया एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 60, क्लियर। एक लाइन अपने पास और भी है, क्या है, एक्स माइनस टू वाई इक्वल ऑफ 0, आपने क्लियर कर लिया ओरिजिन से पास हो रही। एक बात और थोड़ा आइडिया की ध्यान रखेंगे टप्पेबाजी की, आपके इनइक्वालिटी प्रॉब्लम में क्लास 12 के लिए जो भी लाइन ओरिजिन से जाएगी वो डेट श्योर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही पास होगी, किसके अंदर झांकने की जरूरत नहीं है। वैसे चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, एक्स जीरो पुट करेंगे एक्स पॉजिटिव पुट करेंगे वाई पॉजिटिव आएगा, वाई पॉजिटिव पुट करेंगे तो एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव आएगा। ऐसी सिचुएशन कहां क्रिएट होती, फर्स्ट एंड थर्ड में। आप ध्यान देंगे ओरिजिन से पास हो सीधा एक लाइन ड्रा करें जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती हो। एक हमने बना दिया, एक लाइन बना दी आपने फर्स्ट एंड जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है, कोई क्रिटिकल और ग्राफ दिए नहीं है, इस लाइन को कैसे बनाएंगे, हमने ना स्लोप देखा ना कोई पॉइंट पुट किया। अगर यहां पर कोई और एक ग्राफ आ जाता भाई दबे, तो इसको हम थोड़ा दिमाग से हल करते हैं, यहां पर एक्स की कोई वैल्यू पुट करके वाई का एक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन में अंदाज के थ्रू इनसे जो मैच करता हो इनके करेस्पॉन्ड बना देते, बट ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, बना दिया आपने, आ गया। इसका इक्वेशन लिख दीजिएगा, क्या लिखा है बोलो, एक्स माइनस टू वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो देखो आपका ग्राफ ड्रा हो चुका है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब क्या करना है आपको, आपसे बोला है डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन, अगला पॉइंट देखेगा क्या डिसाइड करना है, डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन। डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन के कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने बोले हैं, देखते एक लाइन को पकड़ते, इस लाइन को पकड़ लिया, देखा ये लाइन कहां से पास हो रही, ओरिजिन से। देखो थ्योरी में कॉन्सेप्ट आपसे बोला हुआ है, जब कभी इनइक्वालिटी लाइन ओरिजिन से पास हो देन हाउ कैन यू फाइंड डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन, क्या बोला है, पुट एक्स इक्वल 0 वाई इक्वल 1। देखो मैंने इसमें पुट किया एक्स इक्वल 0 वाई इक्वल 1, पुट कर दिया ना। जैसे आपने इसमें एक्स इक्वल 0 वाई इक्वल 1 पुट किया तो क्या आने लगा, यहां पर बोलो माइनस 2। आप बता सकते हैं माइनस 2 क्या 0 से बड़ा होता है, नहीं होता है, इनइक्वालिटी अनसेटिस्फाइड होने लगी, अनसेटिस्फाइड हो तो थ्योरी को देखें, डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन इस इनइक्वालिटी लाइन से किस की ओर होगा, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर होगा, इससे लाइन से एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन देखो इधर ही तो आता है, इसकी डायरेक्शन में कहीं पर भी एरो लगा लिया जैसा मैंने इधर लगाया है, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी नहीं। अब अदर लाइन का डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन ऑब्जर्व करेंगे, चलो इसको पकड़ लिया, ये लाइन क्या ओरिजिन से जा रही नहीं जा रही, तो अदर कॉन्सेप्ट यूज किया, मैंने आपसे बोला है जब कभी इनइक्वालिटी लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है, डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन डिफाइन करने के लिए हम वहां पर एक्स इक्वल वाई इक्वल क्या पुट करते हैं, 0, 0 हमने पुट किया। देखो ओरल ही बोल रहा हूं, 0 प्लस 0 0 0 लेस देन आर इक्वल 120, क्लियर हो गया, सेटिस्फाइड हो रहा है, क्या बोला गया है, इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो, लाइन ओरिजिन से ना जा रही हो, तो डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन किधर होता है, ओरिजिन की डायरेक्शन में। इस लाइन से देखो ओरिजिन किधर पड़ रहा, ऊपर की ओर, नो नीचे की ओर आ रहा है, तो इसी साइड को एक एरो कहीं लगा लिया, क्लियर। अब इस लाइन की बात करते हैं, थर्ड इनइक्वालिटी कहां पर आ रही है, देखो एक्स प्लस वाई इक्वल 60 कहां पर लिखा, इधर इसकी बात करेंगे, ओरिजिन से ये भी नहीं जाती है, तो एक्स इक्वल वाई इक्वल 0 क्या मिल गया आपको, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल 60, सरासर झूठ। जब झूठ हो रहा है, अनसेटिस्फाइड आ रहा है, अर्थात ओरिजिन से अपवार्ड्स होगा, दूर की ओर होगा, इस लाइन को देखा कहीं पर एक एरो मार दिया जो ओरिजिन की ओर ना हो,
लो साहब हमने इधर मार दिया, काम खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, अगला पॉइंट रीड कीजिएगा, फिर आपको फिजिबल रीजन डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना, फिजिबल रीजन। देखो मैंने इसके लिए क्या आपसे थ्योरी शेयर की है, आपसे बोला है जो आपने डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन डिफाइन कर लिए है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाइएगा। किसमें आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जितने पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं सब में एरो सभी के इन्वॉल्व हों। आए देखते हैं, इनइक्वालिटी लाइन इधर आ गया, इसके नीचे देखे इसमें तो आ गया एरो, एक इसमें मार दिया, दूसरा किसमें मार देंगे, इसमें आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रखें, इस लाइन की बात करते हैं। देखो एक इधर आ रहा ब्लॉक तो इधर मार दिया, दूसरा इधर आया इधर मार दिया, अदर क्वाड्रेंट में हमें कुछ करना ही नहीं है, मैटर ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। अब मैटर आया इस लाइन का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस लाइन को पकड़ के आए, एक एरो इधर आ गया, दूसरा एरो इधर आ गया, तीसरे में आप थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में निकल गए, हो गए सारे एरो। अब देखो क्या है, कैसे डिफाइन करते, क्या होगा फिजिबल रीजन, आपसे बोला गया है दोज पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो भाग विच हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एरो, काउंट करो किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एरो आ रहे हैं, देखें आप थोड़ा सा। अब आप देख रहे हाँ, इसमें टू, इसमें वन, इसमें कितने हैं थ्री, इसमें भी एरो आएगा, इस एरो का अगर इसको ऑब्जर्व करना होता तो एक एरो इसका इसमें भी आ जाता, एक ही आ रहा है बेचारे के पास, कोई और एरो नहीं है। तो सबसे ज्यादा एरो किसमें आ रहे हैं बोलो, इस पार्ट में, नाम दीजिएगा कुछ। ये आपका फिजिबल रीजन है, सा सम्मान श्रद्धा के साथ इसको क्या करें, जैसा चाहे कलर कर दें, मैं नहीं कहता हूं, इसको श्रद्धा के साथ बैठ के आप कलर कीजिएगा। मीन श्रद्धा, बहुत इत्मीनान से, बहुत दिमाग से इस एरिया को आप क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। जैसे ही आपने कलर किया, क्यों किया, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एरो आ रहे हैं। अब इसके बाउंड्री पॉइंट जो आए सबको नाम दे दो, दिस इज डी, दिस इज बी, दिस इज सी आल्सो, दिस इज डी बी सी, चलो रह गया था सी, नहीं देते हैं ई पर आ जाते हैं ई एंड एफ, क्लियर, कोई प्रॉब्लम रहेगी। एक प्रॉब्लम आपके पास आएगी, डी और बी का कोऑर्डिनेट तो पता है, ई एंड एफ का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, चलो सिलेक्ट कर लिया। अब हमने यहां पर क्या लिखा, इतना कुछ बनाने के बाद आप इतना नोट करेंगे, फेजबल रीजन कैसा है, कहां है फेजबल रीजन, आपने देखा रीजन का नाम लिख लीजिएगा, कौन सा रीजन आ रहा है बोलो, नाम लिखो डी बी एफ ई डी, डी बी एफ ई डी, क्लियर। हेलो देखें, और थोड़ा एक पॉइंट अगर डाउट में ना रहे, हमने इस ब्लॉक में भी एरो बनाया, आप सोच रहे होंगे इसका ऊपर की ओर जाएगा, इसका नीचे की ओर आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस ब्लॉक में एरो, इस ब्लॉक के लिए यहीं तक ब्लॉक हो जाएगा, बट इसका एरो की डायरेक्शन, ये भी तो एरिया कवर्ड हो जाएगा, तो ये एरो इसमें भी लाई करेगा, क्लियर है। अब देखते हैं, आपने फेजबल रीजन देखा, नंबर ऑफ एरोज काउंट किए, क्या मिला डी बी एफ ई, क्लियर, डी बी एफ ई लिख डाला। अब कॉर्नर पॉइंट का मैटर आया, देयरफॉर, हां एक और बात करते हैं आपसे, ये चारों साइड से कवर्ड है, अगर फेजबल रीजन चारों साइड से कवर्ड आ रहा हो तो आप कह देंगे कैसा है, बाउंडेड है, अगर चारों साइड से कवर्ड ना हो तो खुले आम बोलिएगा अनबाउंडेड, अनबाउंडेड एंड अनबाउंडेड होगा। और एक बात ध्यान देंगे, अनबाउंडेड फेजबल रीजन होता है, अनबाउंडेड फेजबल रीजन की मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, मिनिमम वैल्यू ही डिफाइन होती है। चलो आते हैं इसकी बात करते हैं, कॉर्नर पॉइंट डिफाइन कीजिएगा, कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं, अगर कॉर्नर पॉइंट की बात की जाए, आप लोगों को देखो डेफिनेशन में मैंने लिखा है दोज पॉइंट ऑफ द फेजबल रीजन, हमने लिखा ऑल टचिंग पॉइंट ऑफ द फेजबल रीजन ऑलवेज इंडिकेट्स कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फेजबल रीजन और ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो देखें कौन कौन से पॉइंट आपके टच कर रहे हैं, बताएंगे क्या आप, डी फर्स्ट, अगला बी, और नेक्स्ट क्या आ गया ई, एंड नेक्स्ट एफ, कैसे पहचाना, देखो ये इसको टच कर रहे हैं डी बी एफ ई, एक प्रॉब्लम आ जाएगी जब चेक करेंगे, हो सकता कुछ पॉइंट आपने डिफाइन ना किए हो, तो कैसे डिफाइन करते हैं, बोर्ड की ओर देखो, इस एफ को देखो, ये इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट है,
तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यही बोर्ड में रहते रहते सॉल्व कीजिएगा। क्या है x इक्वल टू वाई, मीन्स इसमें x इक्वल ऑफ टू वाई पुट करेंगे 4y आ जाएगा। x इक्वल क्या आ गया 4y आया, x इक्वल टू वाई इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ गया 2y 2y 4y, y इक्वल क्या मिल जाएगा 30 आएगा ना, y इक्वल 30 आपने पुट कर दिया तो x इक्वल क्या आएगा 60, मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना मिला आपको 60, 30। थोड़ा देख लेंगे मिस्टेक तो नहीं हो रही हमसे, यहां पर 60 रखा यहां 30 रखा 0 आ रहा है, इधर पे 60 रखा यहां पर 30 रखा 60 और 60 60 120, सही है। बात करते हैं इसकी, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, लाइन देखेंगे, एक तो लाइन इधर जा रही है दूसरी इधर वाली आ रही है, इनका इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो क्लियर हो गया, इस लाइन और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। आपने सॉल्व करना चाहा फिर इसमें x इक्वल टू वाई यहां पुट कर दिया, x इक्वल टू वाई कुल मिला के 3y, x इक्वल क्या आ गया 20। आपने यहां पर क्या लिख डाला साहब, जगह नहीं बच रही है, मैं यहां लिख रहा हूं x इक्वल क्या आ गया, नो x इक्वल 20 नहीं आया, y इक्वल क्या आ गया बोलो 20 आ गया। क्लियर हो गया, x इक्वल टू वाई पुट किया, y इक्वल 20 आ जाएगा तो x इक्वल क्या मिल जाएगा 40। एक बार और चेक कर लिया करें, ये हम लोगों ने रियल वर्क किया है, सही क्लियर है या नहीं। यहां पर हमने पुट किया 40, इधर पुट किया 20, ले देखिए 0 हो गया, सेटिस्फाइड है। आपको कॉर्नर पॉइंट जैसे मिल जाए यहां पर नोट कर दीजिएगा, डी मींस कितना है, डी का कोऑर्डिनेट लो, फिर मैंने नहीं लिखा, लिखा तो है ये 60, 0। क्लियर, डी का कोऑर्डिनेट 60, 0, इससे चेक भी कर ले, बिल्कुल सही 60, 0। बी का कोऑर्डिनेट क्या है देखो वहां से 120, 0। ई का कोऑर्डिनेट देखिएगा क्या आप डिफाइन करके लाए हैं 40, 20, कहा जाए 420 मींस 40, 20। क्लियर, एफ का कोऑर्डिनेट देखो कितना है 60, 30। सॉल्यूशन की ओर आपका क्वेश्चंस पहुंच चुका है, अब क्या करते हैं देखो, आपको मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन करना है, बोला जाएगा तो कैसे डिफाइन करते, मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, नाउ डिफाइन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आप इस जेड की तरफ निगाह डालें, क्या है जेड इक्वल बोलो 5x + 10y, जेड की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो इसको हमने नाम क्या दे दिया जेड डी। जेड डी को क्या लिख सकते हैं जेड 60, 0। देखो इसको मैं टोटल वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं, एक्स इक्वल क्या पुट करेंगे 60, तो 5 × 60 प्लस वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे बोलो 10 × 0, कोई प्रॉब्लम है, इक्वल क्या आ गया 300। अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा जेड बी क्या आ जाएगा, देखें बोर्ड की ओर, जेड बी इक्वल, जेड बी मींस क्या है 120, 0, 120 मींस क्या आ गया 600, देखेंगे आप क्या मिल गया 600। इधर देखें जेड ई डिफाइन करेंगे x इक्वल 40, 200 आ गया, ये कितना आ गया 200, ले दे करके कितना आया बोलो जेड इक्वल ऑफ 104 बोलो। क्लियर, जेड एफ डिफाइन करेंगे 65 जा क्या होता है 300 और 310 जा 300, ले दे करके क्या आया बोलो जेड एफ इक्वल आल्सो 106। क्लियर, अब मैंने आपसे बोला है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज कैसे डिफाइन करेंगे, देयरफॉर जेड मैक्सिमाइज की बात कर रहा हूं, कौन सी वैल्यू चूज करते जो इसमें मैक्सिमम हो, देखो 3, 6, 4, 6 में जेड मैक्सिमाइज कितना हो गया 600 आ गया, लेकिन ये मोर देन वन प्लेसेस पर आ रहा है तो जेड मैक्सिमाइज हमारा कितना कितना है यहां पर आप दिखा देंगे, जेड बी भी है और जेड एफ भी है। क्लियर, दोनों 600 आ रहा है, इसके करेस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट आप चूज करेंगे जेड बी पर कितना है एक्स इक्वल 120, वाई इक्वल क्या है 0, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन गया आपका। जेड एफ पर क्या आ गया बोलो एक्स इक्वल 60, वाई इक्वल क्या आ गया 30, मींस मैक्सिमाइज के लिए दो पॉइंट है, दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, दी एक्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जेड मिनिमाइज की अगर बात कर दी जाए आपसे तो जेड मिनिमाइज में इन्हीं में सर्च कर लेते हैं जो मिनिमम वैल्यू आ रही हो, मिनिमम क्या है देखो सभी में सर्च मारो 300, जो 300 है ये आपके पास जेड मिनिमाइज आ रही है, किस पॉइंट पर आ रही है बोलो आप लोग,
जेड डी पर आ रही है तो डी पॉइंट पर इसकी वैल्यू मिनिमाइज होगी। इसके करेस्पोंडिंग देखें जेड डी से एक्स इक्वल क्या मिलेगा बोलो आप लोग, 60, वाई इक्वल क्या आ गया 0, वाई इक्वल ऑफ 0। क्लियर, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, क्लियर हो गया है ना। उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोगों को यह पैटर्न कॉन्सेप्ट और समझाने का टेक्निक क्लियर हुआ होगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, अगला कॉन्सेप्ट रेडी कराते हैं। तब तक लिए मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट आप सभी को थैंक्स बोलता हूं। ओके।